हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ अंजुम शेख, टीचर वर्किंग एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दुसेरा, ब्लॉक अभनपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़। चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनी पर्सन हु इज़ फिजिकली डिसेबल्ड? बताइए, यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम हो, एक्चुअली हमें फिजिकली डिसेबल्ड वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके स्थान पर हमें बोलना चाहिए डिफरेंटली एबल, क्योंकि वे किसी शारीरिक अक्षमता के रूप में, किसी शारीरिक कमी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ दूसरी क्वालिटीज़ होती है, दैट्स वी शुड कॉल डिफरेंटली एबल। तो बच्चों, आप ऐसे पर्संस, ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या सोचते हैं? आज हम एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि एक स्टोरी है, एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो एक घने कोहरे में, फॉग में फंस जाता है। आपको तो मालूम है फॉग यानी कोहरा या धुंध। अब वो कोहरा इतना घना है कि वो कुछ देख नहीं पाता है और अपने घर वो जा नहीं पाता है। हम पोयम में देखेंगे कि उसकी मदद एक ऐसा व्यक्ति करता है जो देख नहीं सकता है, जो कि डिफरेंटली एबल है। तो किस तरह से वो डिफरेंटली एबल व्यक्ति उस आँख वाले व्यक्ति की मदद करता है और उसे घर पहुंचाता है, हम इस पोयम में पढ़ेंगे। तो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ पोयम फॉग। द पोएट ऑफ दिस पोयम इज डब्ल्यू एच डेविस। वी जनरली थिंक दैट अ पर्सन हु कैन सी इज ऑलवेज बेटर ऑफ देन वन हु कैन नॉट सी। हम सामान्यतः ये सोचते हैं, या ऐसी हमारी धारणा है कि जो व्यक्ति देख सकता है वो, जो व्यक्ति नहीं देख सकता है उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है, अच्छा है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता, ये बात हमेशा सही नहीं होती। देयर आर सम ओकेजन्स व्हेन अ ब्लाइंड पर्सन हैज़ एन एडवांटेज ओवर वन हु कैन सी। कई बार ऐसे ओकेजन यानी कि अवसर होते हैं कि जो एक ब्लाइंड पर्सन, एक अंधा व्यक्ति होता है, वह, उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, फायदे होते हैं, किसकी अपेक्षा, जो व्यक्ति देख सकता है उसकी अपेक्षा। मतलब एक व्यक्ति जो नहीं देख सकता है कई बार वो फायदे में रहता है। तो कैसे, अब हम इस पोयम में देखेंगे। फर्स्ट We will recite the poem. So let's start the poem. I saw the fog grow thick, which soon made blind my ken. It made tall men of boys and giants of tall men. It clutched my throat. I coughed. Nothing was in my head except two heavy eyes like balls of burning lead. And when it grew so black that I could know no place, I lost all judgment then of distance and of space. The street lamps and the lights upon the halted cars could either be on earth or be the heavenly stars. A man passed by me close. I asked my way. He said, "Come, follow me, my friend." I followed where he led. He wrapped the stones in front. "Trust me," he said, "and come." I followed like a child,
अ ब्लाइंड मैन लेट मी होम। तो बच्चों अब हम पोयम लाइन बाई लाइन समझेंगे। फॉग, फॉग यानी होता है कोहरा या धुंध। जाइंट्स यानी विशाल, ठीक यानी घना या मोटा, और कैन यानी संवेदना। आई सॉ द फॉग ग्रो थिक, मैंने देखा फॉग कोहरा बहुत घना हो गया था, बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत घना कोहरा था। विच सून मेट ब्लाइंड माई कैन, जिसने जल्दी ही मेरी कैन यानी कि संवेदना, मेरी संवेदनाओं को, मेरी सेंसर्स को, मेरे सेंसरी जो ऑर्गन्स थे उन सब को क्या कर दिया था, ब्लाइंड कर दिया था, अंधा कर दिया था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। इट मेट टॉल मैन ऑफ बॉयज, ये जो कोहरा है इसने लड़कों को लंबे लंबे व्यक्ति बना दिया था, क्योंकि कोहरे की वजह से वे मुझे बहुत लंबे दिखाई दे रहे थे। एंड जाइंट्स ऑफ टॉल मैन, और जो लंबे व्यक्ति थे वे तो मुझे विशाल विशाल काय दिख रहे थे। इस प्रकार इस कोहरे ने मेरी संवेदनाओं को शून्य कर दिया था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इट क्लस्ट माई थ्रॉट, आई कफ्ड, बच्चों क्लस्ट यानी होता है बंधा हुआ, रूंधा हुआ, जकड़ा हुआ, कफ्ड यानी खांसा, इसने मेरे थ्रॉट को, मेरे गले को जकड़ लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा गला बंधा हुआ है, रूंधा हुआ है, और मैं खांसा, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मेरा गला चोक हो गया था। नथिंग वॉज इन माई हेड, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, संवेदनाएं शून्य हो गई थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, गला चोक हो गया था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। एक्सेप्ट टू हैवी आइज, सिर्फ मेरी दो भारी आँखों को छोड़कर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरी आँखें भारी हो गई थी। लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड, लेड यानी होता है बच्चों सीसा, जो एक प्रकार का धातु है, तो पिघला हुआ सीसा ऐसा लग रहा था मेरी आँखों में जल रहा है, मेरी आँखें कोहरे की वजह से जल रही थी, और मुझे आँखों के सिवा, दो भारी आँखों के सिवा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। एंड वेन इट ग्रीव सो ब्लैक दैट आई कुड नो प्लेस, आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ प्लेस। बच्चों लॉस्ट ऑल जजमेंट यानी होता है समझ की शक्ति, समझ की सभी शक्ति खो देना। डिस्टेंस का मीनिंग है दूरी, और स्पेस यानी स्थान होता है। एंड वेन इट ग्रीव सो ब्लैक, और जब ये और घना हो गया, काला हो गया, जब कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो और काला हो जाता है, धुंध एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दैट आई कुड नो प्लेस, और जब कोहरा बहुत काला हो गया तो मुझे कोई भी स्थान दिखाई नहीं दे रहा था, समझ नहीं आ रहा था। आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन, तब मैंने अपनी समझ की पूरी शक्ति खो दी, क्योंकि मैं बोल नहीं सक रहा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था, तो पूरी तरह से मेरी समझ की शक्ति जो थी वो मैंने खो दिया था। ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस, दूरी की शक्ति और स्थान, दूरी और स्थान पहचानने की शक्ति पूरी तरह से मैंने खो दिया था। मुझे ना सड़क दिखाई दे रही थी, ना मुझे एक दूरी का जो हमें एहसास होता है वो भी नहीं हो रहा था, मुझे किस स्थान पर मैं हूँ ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। बच्चों हॉल्टेड कार यानी होता है रुकी हुई कार, और हेवनली स्टार्स मतलब आसमान के तारे। तो आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रीट लैम्प्स एंड द लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार्स, जो स्ट्रीट लैम्प लगी हुई थी वहाँ,
और लाइट्स, वो स्ट्रीट लैम्प और लाइट्स किसके ऊपर पड़ रही थी? जो हॉल्टेड यानी कि जो रुकी हुई कारें थी उनके ऊपर पड़ रही थी। कारें क्यों नहीं चल रही थी, क्यों रुकी हुई थी? क्योंकि बहुत कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उन रुकी हुई कारों पर वो स्ट्रीट लैम्प और लाइट्स पड़ रही थी। कुड आइदर बी ऑन अर्थ और बी द हेवनली स्टार्स, ये जो लाइट हैं या तो ये धरती से आ रही थी या ये आसमान के तारों से आ रही थी, ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ कहने का मतलब है कि थोड़ी बहुत जो लाइट पड़ रही थी वो लाइट कहाँ से आ रही है ये भी मैंने समझने की शक्ति खो दिया था। शायद ये धरती से आ रही थी या आसमान के तारों से पड़ रही थी। अ मैन पास्ड बाय मी क्लोज, एक व्यक्ति मेरे करीब से गुजरा। आई आस्क्ड माई वे, ही सेड, मैंने उससे अपना रास्ता पूछा, उसने कहा कम फॉलो मी माई फ्रेंड, मेरे पीछे आओ मेरे मित्र, मतलब मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। आई फॉलोड वेयर ही लेड, मैं उसके पीछे पीछे गया जहाँ वो मुझे ले गया। जब मुझे एक व्यक्ति मिला रास्ते में, क्योंकि कोहरे के कारण मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और एक व्यक्ति जब मेरे पास से गुजरा तो मैंने उससे पूछा भाई मेरा रास्ता बताओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तब उसने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, और वो जहाँ जहाँ गया मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बच्चों कैसे ये व्यक्ति घर पहुँचता है। रैप्ट यानि होता है बच्चों ठोकना, वॉकिंग स्टिक से ठोकना। ही रैप्ट द स्टोन्स इन फ्रंट, उसने सामने जो स्टोन्स थे पत्थर थे उसे अपने वॉकिंग स्टिक से ठोका। यहाँ पर मैं समझ गया कि ये जो व्यक्ति है ये देख नहीं सकता है, ही इज़ अ ब्लाइंड मैन, क्योंकि वो रास्ते का अंदाज़ा लगा रहा था स्टिक से ठोक ठोक के। ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, ही सेड, उसने कहा, एंड कम, और आओ। आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, मैं एक बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया। अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम, एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा व्यक्ति जो था उसने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया। तो बच्चों जब वो व्यक्ति उसे कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ तो वो उसके पीछे साथ चल देता है, लेकिन रास्ते में वो अपनी वॉकिंग स्टिक से पत्थरों को ठोकता हुआ चलता है, मतलब वो रास्ते का अंदाज़ा लगा रहा है कि किधर मेरा रास्ता है। और वो कहता है मुझ पर विश्वास करो, और मुझे उस पर विश्वास करना पड़ा, मैंने उस पर विश्वास किया और एक बच्चे की तरह मैं उसके पीछे पीछे हो लिया, और इस प्रकार उस एक ब्लाइंड मैन ने मुझे मेरे घर तक पहुँचाया। अब हम एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं, ठीक है बच्चों? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन वन इज व्हाट डज आई रिफर टू इन द पोयम, बच्चों आई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है पोयम में बताइए। यस द आंसर इज आई इन द पोयम रिफर्स टू द पोएट डब्ल्यू एच डेविस, आई जो है पोयम में पोएट के लिए प्रयुक्त हुआ है। सेकेंड वन इज हाउ डू द पोएट्स आईज लुक लाइक इन द फॉग, फॉग में पोएट की आंखें कैसी लग रही थी, कैसी लग रही थी बच्चों? यस द पोएट्स आईज लुक लाइक हैवी बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड इन द फॉग, पिघले हुए शीशे की जैसी भारी आंखें जो होती वैसी लग रही थी पोएट की आईज, है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड द पोएट लूज हिज जजमेंट, पोएट ने अपना जजमेंट करने की जो क्षमता है वो कैसे खो दी, क्यों खो दी?
तो आपने पढ़ा है, बताइए। द आंसर इज द पोएट लॉस्ट हिज जजमेंट बिकॉज इट ग्रीव सो डार्क ड्यू टू फॉग विच मेड हिम ब्लाइंड। पोएट ने कोहरे के कारण अपनी समझ की शक्ति खो दी, क्योंकि कोहरा बहुत घना हो गया था, काला हो गया था, और उसकी वजह से वो ब्लाइंड या अंधे जैसे हो गए थे और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हु वॉज द मैन हु पास्ड बाय द पोएट। जो पोएट के पास से गुजरा वो कौन व्यक्ति था, बताइए। आपने पूरी पोयम पढ़ी, समझी? यस, अ ब्लाइंड मैन पास्ड बाय द पोएट। एक अंधा व्यक्ति पोएट के पास से गुजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट रीच होम। पोएट घर कैसे पहुंचे? द पोएट रीच्ड होम सेफली बाय द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ द ब्लाइंड मैन। एक ब्लाइंड व्यक्ति की सहायता और मार्गदर्शन से पोएट घर तक पहुंचे, है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वर्ड इंडिकेट्स टू अस दैट द सेकेंड मैन वॉज ब्लाइंड। कौन सा शब्द हमें इंगित करता है कि जो दूसरा व्यक्ति था वो ब्लाइंड था? तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? यस, द आंसर इज द वर्ड द ब्लाइंड मैन यूज्ड इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम टेल्स अस दैट द सेकेंड मैन वॉज ब्लाइंड। द ब्लाइंड मैन शब्द पोयम की लास्ट लाइन में यूज हुआ है, जो कि हमें इंगित करता है कि सेकेंड व्यक्ति जो था वो ब्लाइंड था, अंधा था। ये तो डायरेक्टली हमको पता चल रहा है द ब्लाइंड मैन से। सेकेंडली, द वर्ड रैप्ड द स्टोन इंडिकेट्स टू अस दैट द सेकेंड मैन वॉज ब्लाइंड। और दूसरी तरह से बच्चों, रैप्ड जो शब्द आया है उसमें जो ब्लाइंड मैन है वो अपनी वॉकिंग स्टिक से पत्थरों को ठोक कर रास्ते का अंदाज़ा लगा रहा था। तो इस रैप्ड शब्द से भी हमें पता चल गया था कि सेकेंड मैन वॉज ब्लाइंड, दूसरा व्यक्ति अंधा था। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम। इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है? हमने पोएम पढ़ा, समझा, और आखिरी में हमने उसके बारे में और दोबारा समझा, तो बताइए। द पोएम गिव्स अस द मैसेज द ब्लाइंड हैव स्किल विच कैन प्रूव एन एडवांटेज ओवर पीपल विथ विजन। पोएम से हमें यह मैसेज मिलता है कि एक जो ब्लाइंड मैन होता है उसके पास ऐसे स्किल होती है, कौशल होता है, कि कई बार वो दृष्टि वाले व्यक्ति की तुलना में बेहतर होता है, फायदेमंद होता है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिसेबल्ड पर्सन्स ऑफ योर विलेज और टाउन। आपके गांव या शहर या आसपास में जो भी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं या डिफरेंटली एबल पर्सन हैं, उनके बारे में आप कुछ जानकारियां एकत्र कीजिए और घर पर अपने बड़ों को बताइए। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में। गुड बाय चिल्ड्रन।